देश भर में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इसी बीच यहां से पीडीपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और धरने पर बैठ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, ये लोग वोटिंग में गड़बड़ी करना चाहते हैं। उपराज्यपाल साहब चुनाव में धांधली करवाने के लिए यूपी से आए हैं। उन्होंने कहा ये लोग 1979 के चुनाव में हुई गड़बड़ी को दोहराना चाहते हैं। अगर महबूबा मुफ्ती से इतना डरते हैं तो पहले कहना था मैं चुनाव ही नहीं लड़ती। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो, आप जहाँ भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। और जहाँ लोगों को बंद नहीं करते हैं वहाँ मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूँ, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। यहाँ के लोगों के दिल में दहशत फैलाना ये चाहते हैं, यहाँ के लोग इलेक्शन बॉयकॉट करें। हम किसी भी सूरत हाल में ये नहीं होने देंगे। वी विल नॉट लेट देम स्टील दिस इलेक्शन। ये जानते हैं साउथ कश्मीर अनंतनाग राजौरी पुंछ के सारे लोग महबूबा जी को चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ओनली महबूबा जी उनकी बात बेबाकी और बिला खौफ से पार्लियामेंट में रखेंगी। एंड इंशाल्लाह ये जीत हमारी है, हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे, हम ये इलेक्शन जीत के ही रहेंगे। शुक्रिया। एंड एलजी साहब मस्ट आंसर, उन्होंने कहा था कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप हमारे देखिए, हमें बोला जा रहा है ये एसएसपी अनंतनाग एंड डीआईजी करा रहे हैं, जो हमारे सारे वर्कर्स को रात में लिया है, थाने में रखा है, बहुत सारे स्टेशन में, होम शालीबुग में, हमारे पोलिंग एजेंट्स को अंदर ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। बिकॉज दे नो कि लोग यहाँ पीडीपी को ही चाहते हैं और लोग पीडीपी को ही वोट डालेंगे। मेरे लोगों से यही अपील है, जो हमारी आवाम है खासतौर से अनंतनाग एंड कुलगाम की, कि आप बिल्कुल नहीं डरिए, इनके मुंह पे जोरदार चांटा मारें बाय गोइंग आउट देयर एंड कास्टिंग योर वोट, क्योंकि आपके वोट में ताकत है और इंशाल्लाह महबूबा जी को हम पार्लियामेंट भेज देंगे।